हेलो हाय दोस्तों, मैं हूँ साजिदा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आई हूँ जिसे आपको किसी ने भी नहीं बताया होगा। एक ऐसा नुस्खा है दोस्तों जिसके आपके बच्चों की सर्दी सारी छू मंतर हो जाएगी चुटकियों में। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना है, ये बहुत ही सिंपल सा नुस्खा है। तो यहाँ पर मैंने 7 लहसुन लिए हैं जिसको मैंने पील कर दिया है। इस तरह से आप देख सकते हो, काउंट कर सकते हो इस गार्लिक को। तो यहाँ पे मैंने 7 गार्लिक लिया है और एक सुई धागा लिया है। इसके अंदर धागा मैंने डाल के रख दिया है और काला ही धागा लेना है दोस्तों। इसी से काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको देखने को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, लहसुन कितना फ़ायदेमंद है हम सबको पता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है दोस्तों, जिससे बहुत सारी इन्फेक्शन होती है, प्रॉब्लम हो जाती हैं। तो बच्चों को जो सर्दी होती है, ये नुस्खा ऐसा कमाल का कमाल करने वाला है दोस्तों कि बच्चों की सर्दी हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, तो मैं एक एक गार्लिक को इस तरह से बीचों बीच में इसको सुई की हेल्प से इस तरह से करना है, आप देख सकते हो कैमरे में। तो इस तरह से एक एक करके 7ों लहसुन जो हमने लिया है उसको डाल देना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि बच्चों को इससे क्या फ़ायदा होएगा। बच्चे को इस तरह से 7ों गार्लिक पिना के रखिए गले में, उनको गले में पिना के रखिए दोस्तों, जो कि रिज़ल्ट आपके सामने होगा कुछ दिन के बाद। हालांकि थोड़ा सा लेट आपको मिलेगा रिज़ल्ट देखने के लिए, लेकिन 100% रिज़ल्ट मिलेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से सारा गार्लिक मैं इसमें सुई की हेल्प से डाल दूंगी धागे के अंदर। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छा नुस्खा है। आप लोग अक्सर पूछते हो ये नुस्खा किसने बताया, तो मैं आपको बता देती हूँ, ये नुस्खा मेरी नानी जी ने मुझे बताया था, जो कि छोटे बच्चों के लिए है। आप चाहे तो बड़े बच्चों के गले में भी इसे पिना के रख सकते हो। ये देख सकते हो कुछ इस तरह से बनकर तैयार होगा। ये जिन बच्चों को सर्दी हो गई है उनको ये ज़रूर पिना के रखिए, सर्दी जो है जड़ से ख़त्म हो जाएगी। पूरा गार्लिक अब्जॉर्ब कर लेगा, सोख लेगा दोस्तों। और जिन बच्चों को सर्दी नहीं हुई है, जो न्यू बॉर्न बेबी है दोस्तों, तो उनके साथ तो ये डेफिनेटली ये गले में डालकर रखिए, उनके कपड़े के अंदर रखिए ताकि उनके सीने तक का ये पहुँच जाए, और थोड़ा लूज ही रखिए ताकि बच्चों को कम्फर्टेबल रहे। तो इससे आपके बच्चों को बहुत हेल्प मिलेगी। देखना दोस्तों, कभी ज़िंदगी में सर्दी जो है आपके बच्चों को नहीं होगी अगर आप न्यू बॉर्न बेबी को ये पिना के रखते हो। तो झटपट से नुस्खा मैंने ये आपको बता दिया है, काफ़ी अच्छा हेल्पफुल होगा आपके लिए। आप इसे ज़रूर आजमा कर देखिए, और जिन लोगों को ये नुस्खा पता है वो कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आप लोग को ये पता है और आप लोग आजमाते हो और आपको क्या रिज़ल्ट मिलता है, सारा कुछ मुझे कमेंट्स में बताइए। तो फिर से मिलूँगी मैं अगली वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। बाय बाय।